हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनार के जूस को घर पर इजीली बहुत ही हाइजीनिक वे में आप कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें मैंने यहाँ पर एक अनार ले लिया है और उसको साफ पानी में धो लिया है। और धोकर देखिए, दाने एक कटोरी में इकट्ठे कर लिए हैं और मुझे चाहिए अनार का जूस निकालने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास ये पॉलिथीन्स हैं, ये जिप लॉक वाली पॉलिथीन है फ्रेंड्स। इसकी हेल्प से आप घर में ही बहुत अच्छा अनार का जूस निकाल सकते हैं। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको जैसे एक अनार का दो अनार का जूस पिला सकते हैं घर में बनाकर। बहुत ही आसान तरीका है, बस उसके लिए आपको ये पॉलिथीन चाहिए। देखिए, ये जिप लॉक वाली पॉलिथीन है, मार्केट में इजिली अवेलेबल होती है फ्रेंड्स। तो ये मैंने मंगा कर रखी हुई है अपनी बेटी के लिए कि मैं डेली उसे एक अनार का जूस इनमें बनाकर देती हूँ और यूज करने के बाद इस पॉलिथीन को मैं फेंक देती हूँ और नई पॉलिथीन यूज करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके से हमें जूस तैयार करना है। देखिये फ्रेंड्स, पॉलिथीन में मैंने अनार के दाने डाल लिए हैं। और ध्यान रखिए, जब आप पॉलिथीन में अनार के दाने डाल दें तो उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, अब हम इसे बेलन की हेल्प से इसको प्रेस करेंगे, जिससे कि फ्रेश जूस आप तैयार करके अपने बच्चों को या घर में कोई भी बड़ा है, बुजुर्ग है, उसको पिला सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रेस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, धीरे धीरे आपको इसको प्रेस करना है। और फ्रेंड्स, जब आप जूस निकाल रहे हों तो एक बात ध्यान देने वाली है कि ये साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए। अगर इस साइड होगी, अगर मान लीजिए बेलन से प्रेस करते वक्त ये खुल भी गया तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस साइड को दूसरी साइड रखिएगा और इस साइड को अपनी साइड रखिएगा। और कॉर्नर्स पे ज्यादा प्रेस नहीं करिएगा, जिससे कि पॉलिथीन फट सकती है, ठीक है, और आपके ड्रेस जो भी है वो गंदी हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, जूस बनना तैयार हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। धीरे 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 इसे प्रेस करेंगे तो सारा जूस तैयार हो जाएगा और बीज नहीं पिसेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जूस तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स, थोड़े से दानों में कितना अच्छा जूस निकल गया है। देखिए फ्रेंड्स, सारे दानों का जूस निकल गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये चाय छानने वाली छलनी है और मैंने नीचे कटोरी रखी हुई है जिसमें मैं ये वाला जो जूस है उसे छान लूंगी। ऐसे करके मैं सारा जूस तैयार कर लूंगी। सारे दानों का जूस निकल गया है, ठीक है। इसी मेथड से आप सारे अनार का जूस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, इसको चम्मच से प्रेस कर दिया है। अगर थोड़ा सा जूस और होगा तो वो भी छनकर बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये अनार के दाने हैं इनको भी हमें वेस्ट नहीं करना है। इनको हमें एक प्लेट में इकट्ठा कर लेना है। जितने भी अनारदाना निकलता है उसको हमें इकट्ठा करके धूप में सुखा लेना है। उसके बाद हम इसे सब्जी में डालकर या कोई भी हम अगर अदर रेसिपीज बना रहे हैं उसमें हम इसे अनारदाने को यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी वेस्ट नहीं है, इसका भी बहुत सारे यूजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसे ड्राई कर ले धूप में अच्छे तरीके से और इसका पाउडर बना लें, ठीक है, उसके बाद आप इसे यूज करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारे अनार का जूस तैयार कर लेती हूँ। देखिए, अनार का जूस बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से आप घर में अनार का जूस तैयार कर सकते हैं। बहुत ही साफ सफाई से आप घर में अपने बच्चों को, बड़ों को ऐसे जूस बनाकर तैयार करके पिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये स्ट्रो है, ये मैंने मार्केट से ही ली है। ये फ्रूटी के साथ आती है तो वो मैंने सेव करके रख ली। इससे बच्चे, जो बच्चे जूस पीने में आनाकानी करते हैं, वो स्ट्रॉ के थ्रू बहुत इजी वे में पी लेते हैं। तो ये मैंने तैयार करके रखी है। ये मेरी बेटी की छोटी गिलासी है, इसमें मैं उसे जूस दूंगी। घर में बना हुआ बिल्कुल सफाई से। तो इस तरीके से कुछ आप घर में ही बढ़िया जूस तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।